حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا दीदियों बिन्ने भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों तमाम किस्म की तारीफात हमदो सताइश अजमतों की बिजाई तहमीद और तकदीस उस मालिक कायनात मालिक अर्दो समा और मुदब्बिरे सदा के लिए है जो हम तमाम इंसानों का और कायनात की जर्रा जर्रा चीजों का मालिक मुरब्बी और पालनहार है बेशुमार दरूद और सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर जिसका नामे नामे इस्म गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है जिन्होंने दुनिया के अंदर आकर हक को बातिल से नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराही से छांट कर नुमाया और वादे कर दिया اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السامعين الله رب العالمين کے فضل و کرم سے ہمارا آج جمعہ کے دن اس بابرکت دن میں अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के घर में जमा हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को बैठने को और हमारे तमाम नेकियों को रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन वादा सामीन
जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस खुतबे जुमा का मेरा मौजू नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए पार्ट टू। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इस्लामी भाइयों, हम और आप अपने समाज का, अपने माशरे का, अपनी सोसाइटी का जायजा लेते हैं तो ये बात मालूम होती है कि तमाम लोग, हमारे समाज के अंदर रहने वाले, बसने वाले तमाम लोग, यहां तक कि तमाम के तमाम, एक भी आदमी नहीं छूटेगा, तमाम के तमाम लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी से मोहब्बत का दावा सब इंसान करता है, हर मुसलमान करता है, लेकिन मेरे भाइयों सवाल यह पैदा होता है कि नबी से मोहब्बत का दावा तमाम लोग करते हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि नबी से मोहब्बत वाला आदमी करता है, नबी से मोहब्बत का मेयार क्या है, नबी से मोहब्बत की कसौटी क्या है, उस मेयार और कसौटी को जानना जरूरी है। जैसा हम एक सुनार के पास जाते हैं, अपने जेवर को लेकर सुनार के पास पहुंचते हैं, सुनार हमारे जेवर को, सोने को लेकर अपनी कसौटी पर रखता है, जांचता है, परखता है, और जांचने के बाद कहता है कि आपका सोना कितने ग्रेड का है, आपका सोना असली है या नकली है, आपके सोने में मिलावट है या क्या है, वो आपको अपनी कसौटी पर जांच कर परख कर बताता है कि आपका सोना कैसा है। ऐसे ही हमें भी जांचना होगा, परखना होगा कि अल्लाह और उसके रसूल की जो कसौटी है, जो रब्बुल आलमीन ने मेयार बयान बताया है नबी से मोहब्बत का, क्या उस मेयार पर नबी से हम और आप मोहब्बत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तब तो हकीकत में हम नबी से मोहब्बत करते हैं, अगर वो मेयार नहीं है, वो कसौटी नहीं है जो कसौटी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है, तो याद रखिए हम नबी से मोहब्बत जो हमारा दावा है वो खोखला। अब नबी से मोहब्बत की कसौटी क्या है, मेयार क्या है, हम कुरान करीम से पूछते हैं। कुरान करीम हमें बताता है, सूरह तौबा उठाइए, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 आप उठाकर पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره। الله رب العالمين نے اس آیت کریمہ کے اندر آٹھ کسوٹی بتایا, आठ लोगों का नाम लेकर बताया कि अगर इन तमाम चीजों से ज्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी तब तुम जाकर के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के दावे में तुम पूरे खड़े उतरे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उल इनकान आबाओकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए अपने उम्मत के लोगों से, कह दीजिए कहे मेरी उम्मत के लोगों, इनकान आबाओकुम अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो, वह अपने बेटे से मोहब्बत करते हो, वही खुमानुकुम अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वो अजवाजुकुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो, वो अशीरतुकुम अपने खानदान वालों से, अपने बिरादरी वालों से मोहब्बत करते हो, वो अम्वालुन तरफतुमुहा और उस माल से मोहब्बत करते हो जिस माल को तुम कमाते हो, वो तिजारतुम तख्शौना कसादहा और उस तिजारत से मोहब्बत करते हो जिस तिजारत में नुकसान होने का डर होता है, और वह मसाकिन तरदौना और उस घर से मोहब्बत करते हो जिस घर के अंदर तुम रहते हो। याद रखो ये तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर आठ चीजों को बयान फरमा दिया। आठ चीजों को बयान फरमाया, कौन कौन सी चीज, बाप से, औलाद से, भाइयों से, बीवियों से, खानदान वालों से, माल
से, तिजारत से और इसी तरीके से घर से, इन आठ चीजों से इंसान मोहब्बत करता है। और होनी भी चाहिए, इंसान को फितरी मोहब्बत होती है, बाप से भी मोहब्बत होती है, औलाद से भी मोहब्बत होती है, मान से भी मोहब्बत होती है, खानदान वालों से भी मोहब्बत होती है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, इन आठ चीजों की मोहब्बत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर इन तमाम चीजों की मोहब्बत रसूली, अगर इन आठ चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से, वह जिहादी भी सबीली, अल्लाह के राह में कुर्बानी देने से ज्यादा, इन तमाम चीजों से अगर तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाती है तो याद रखो तुम्हारी मोहब्बत किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हारी इन तमाम आठ चीजों से मोहब्बत अगर अल्लाह और उसके रसूल से कम रहती है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तुम्हारी ज्यादा हो जाती है, इन तमाम चीजों से ज्यादा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करनी है, अल्लाह ने अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से मोहब्बत करनी है। अगर याद रखो तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कम होगी, इन तमाम चीजों की मोहब्बत नबी और रसूल से ज्यादा होगी, तो याद रखो फतरबसु हत्ता यती अल्लाह बिअम्री, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अगर तुम्हारे दिल में बाप की मोहब्बत ज्यादा है, नबी की मोहब्बत कम है, अगर तुम्हारे दिल में औलाद की मोहब्बत ज्यादा है, नबी की मोहब्बत कम है, अगर तुम्हारे दिल में बीवी की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अल्लाह अकबर। और कीजिए मेरे भाइयों, इन आठ चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन आठ चीजों के बनिस्बत क्या होनी चाहिए? आगे होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को आगे रखना है, औलाद की और खानदान वालों की बीवियों की मोहब्बत को पीछे रखना है। ये आठ लोगों के नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए। लेकिन गौर करना यह है, समाज के अंदर, माशरे के अंदर अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए कि आज हमारे बहुत सारे लोग अपनी औलाद की तमन्नाओं और आरज़ुओं को पूरी करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं। बेटे ने कहा आपको जान ये चीज चाहिए, नबी की मुखालिफत हो जाए चल जाएगा, नबी के रसूल के हुक्म के खिलाफ फर्जी हो जाए चलेगा। लेकिन बेटा नाराज ना हो, बीवी नाराज ना हो, बाप नाराज ना हो, एक खानदान वाले नाराज ना हो, मेरी शोहरत होनी चाहिए, मेरा माल बढ़ना चाहिए, रसूल की मुखालिफत हो जाए चलेगा, रसूल का हुक्म हम छोड़ दे चलेगा। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में वही चीज हो रही है। लेकिन याद रखो सहाबी रसूल, सहाबे किराम का मामला ये था कि सहाबे किराम भी तिजारत किया करते थे, उनके पास भी औलाद थी, उनके पास भी बच्चे भी थे, उनके पास भी खानदान वाले थे, तमाम के तमाम लोग थे। लेकिन उन तमाम सहाबे किराम का मामला ये था कि जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का मामला आता तो तमाम चीजों को छोड़ देते, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को आगे रखते। मेरे भाइयों, सहाबे किराम भी बच्चे वाले थे, सहाबे किराम के पास भी औलाद थी, सहाबे किराम भी बिजनेसमैन थे, तिजारत उनके पास भी था, माल उनके पास भी था, दुकानदारी उनके पास भी थी। लेकिन याद रखो जब दीन का मामला आता, अल्लाह और उसके रसूल का मामला आता, तो तमाम चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की हुकूम के खिलाफ फर्जी हो, इसको बर्दाश्त नहीं करते थे, इस मामले में वो तैयार कंप्रोमाइज नहीं करते थे। चाहे वो औलाद हो, चाहे वो बाल बच्चे हो, चाहे वो खानदान वाले हो, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने के लिए। अब आइए एक एक चीज मैं आपको सहाबे किराम के वाकयात की रोशनी में बताता हूं। पहली चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा के अंदर क्या बयान फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत बाप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत बाप के निस्बत से तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, बाप की मोहब्बत कम होनी चाहिए। अगर तुम ईमान वाले हो, तुम मोमिन हो, तो तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह इब्ने उबै बिन सुलूल एक बहुत बड़ा मुनाफिक था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करता था,
नबी के बारे में क्या क्या जुमले कहा करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, परेशान किया, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उबैय बिन सुलूल जो मुनाफिकों का सरदार और उसका बेटा क्या था, मुसलमान था, अल्लाह के नबी का सहाबी है, ईमान वाला है। अब्दुल्लाह इब्ने उबैय बिन सुलूल ने एक मर्तबा कहा कि हम मदीना पहुंचेंगे, मदीना पहुंचने के बाद हम इज्जत वाले जलील लोगों को मदीना में मदीना से निकाल देंगे। अल्लाह के नबी के बारे में जलील का लफ्ज था, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के तमाम सहाबे किराम को जलील का, यानी ऐसा जुमला जिसको हम और आप गाली कह सकते हैं। अल्लाह के नबी के बारे में एक भद्दा जुमला उस मुनाफिक उस अब्दुल्ला इब्ने उबैय बिन सुलूल ने कहा, बेटे को मालूम पड़ता है बेटा ईमान वाला नबी का सहाबी, बेटे को मालूम पड़ता है कि मेरा बाप मेरे नबी के बारे में ऐसा ऐसा जुमला बोला है, मेरा बाप मेरे नबी के बारे में इतना सख्त जुमला बोला है। बेटा मदीने के गेट पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने बाप को आने नहीं दूंगा, दाखिल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए कि मेरा बाप नबी का दुश्मन है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ता है कि अब्दुल्ला जो मेरा साहबी मेरी बात मानने वाला वो अपने बाप के ताल्लुक से इस तरह सोचता है, अब्दुल्ला के पास जाते हैं, अब्दुल्ला से पूछते हैं, आए अब्दुल्ला तुम इस तरह का मामला मत करो, मैं जानता हूं तुम्हारा बाप मुझे गाली दिया है, मुझे बहुत बदतरीन जुमला कहा है, मैं उसको माफ करता हूँ, मैं उसको माफ कर देता हूँ। लिहाजा आए अब्दुल्ला अपने बाप को अपने बाप के साथ ऐसा सुलूक मत करो, क्योंकि लोग बोलेंगे एक नबी बेटे को बाप से अलग कर रहा है, एक नबी दीन इस्लाम की दावत ऐसी लेकर आया जो बेटे को बाप से अलग कर रहा है, लोगों के दरमियान क्या मैसेज जाएगा, क्या पैगाम जाएगा, लिहाजा अपने बाप के साथ ऐसा मामला मत करो। अब्दुल्ला ने छोड़ दिया, अपने बाप को आने दिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कि अब्दुल्ला के दिल में बाप की मोहब्बत थी, लेकिन जब बाप की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकराई तो बाप की मोहब्बत को छोड़ा और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को आगे रख दिया। अल्लाह अकबर, ये जज्बा था मेरे भाइयों, जब नबी से मोहब्बत होती है तो नबी की मोहब्बत को पाने के लिए हर मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ता है, तब जाकर नबी से मोहब्बत सच्ची होती है, और जो नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली बात क्या कही कुरान में, और इनका ना आबाओकुम, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे दिल में नबी से मोहब्बत तुम्हारे बाप से ज्यादा होनी चाहिए, अगर तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत तुम्हारे बाप से ज्यादा है तो तुम सच्चे मुसलमान हो, सच्चे मोमिन हो। और उसके बाद दूसरी बात क्या बयान फरमाई, वो अब आबाओकुम, ऐ मेरे बंदो ऐ ईमान वालों तुम्हारे दिल में तुम्हारे बेटों से ज्यादा मोहब्बत नबी से होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत बेटों से ज्यादा होनी चाहिए। अब और कीजिए, तारीख की किताब को पढ़िए, गज़वे बदर का मौका है, एक तरफ इस्लाम के लिए बाप लड़ाई कर रहा है और काफिरों के लिए बेटा लड़ाई कर रहा है, इस्लाम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लड़ाई कर रहे हैं और काफिरों की तरफ से बेटा हजरत अब्दुल रहमान लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है, लड़ाई खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब बेटा इस्लाम कबूल कर लेता है तो एक मर्तबा बाप बेटे में गुफ्तगु हो रही है, बेटा पूछता है अब्बू जान क्या बदर की लड़ाई आपको मालूम है, आपको याद है? अब बाप कहते हैं, हजरत अबू बकर कहते हैं, ना मेरे बेटे अच्छे से याद है, अच्छी तरीके से याद है। अब्दुल रहमान कहते हैं, अब्बा जान बदर की लड़ाई में आप इस्लाम की तरफ से लड़ रहे थे, मैं काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, आप मेरे तलवार के नीचे बार बार आ रहे थे, और मैं आपको मारना भी चाह रहा था, कत्ल करना चाह रहा था, लेकिन बाप की मोहब्बत बारी बार जा रही थी, बाप की मोहब्बत दिल में आ जा रही थी, मैं तलवार को रोक लेता था। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर का जवाब क्या था? हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ मेरे बेटे शुक्रिया मनाओ, अगर तुम्हारी गर्दन मेरे तलवार के नीचे आती
तो मैं तुम्हारी गर्दन को छोड़ता नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम मेरे बेटे नहीं थे। इस्लाम के दुश्मन थे, तुम नबी के दुश्मन थे, और मैं नबी के दुश्मन को मैं छोड़ता नहीं हूँ, माफ नहीं करता हूँ, मैं उसको उसकी कतर उसका गर्दन उड़ा देता हूँ। मेरे भाइयों गौर कीजिए, एक बाप जो बेटा गैर मुस्लिम था, काफिर था, और बाप ये कह रहा अगर तुम्हारी गर्दन मेरे तलवार की नीचे आती मैं तुझे छोड़ता नहीं, क्योंकि तू इस्लाम का दुश्मन था, तो मेरे नबी का दुश्मन था। अल्लाह के ऊपर नबी के नबी से क्या मोहब्बत थी। हजरत अबू बकर को अपने बच्चे से मोहब्बत है, बेटे से मोहब्बत है, लेकिन जब बेटे की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से टकराती है तो बेटे की मोहब्बत को छोड़ देते हैं, नबी की मोहब्बत को आगे रखते हैं, नबी की मोहब्बत को आगे रखते हैं। नबी से बेइंतहा इंसान को मोहब्बत करना चाहिए, नबी से जो मोहब्बत न करे वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, कुरान ने इन दोनों बातों का तज़किरा करने के बाद क्या कहा, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أي مؤمنو أي میرے بندو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تمہارے دل میں نبی کی محبت اپنے بھائیوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تمہارے جتنے بھی بھائی ہیں تمہارے بھائیوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ اور کیجیے غزوہ بدر کا ہی موقع ہے، ایک طرف ایک بھائی، ایک طرف دوسرا بھائی، ایک طرف اسلام کی طرف سے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافروں کی طرف سے عبید تھے۔ جب مسلمان جو ہے جیت جاتے ہیں اور کافروں کے کچھ لوگ قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں، تو ان قیدیوں میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبید بھی تھے۔ حضرت مصعب جب قیدیوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بھائی بھی موجود ہے، قیدیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اپنے بھائی کے بارے میں جب بھائی کے پاس پہنچتے ہیں تو لوگوں سے بولتے ہیں میرے بھائی کو اچھے سے باندھو، بہت تیز باندھو، اس کا ہاتھ اچھے سے باندھنا، اس کے اندر نرمی مت برتنا، اور جب ان قیدیوں کو آزاد کرنا، فدیہ لے کر آزاد کرنا، تو یاد رکھنا میرے بھائی سے زیادہ فدیہ لینا، میرے بھائی سے زیادہ پیسہ لینا۔ اللہ اکبر، بھائی کی محبت جب سامنے آتی ہے تو بھائی کی محبت کو نہیں دیکھا، بھائی کی محبت کو چھوڑا، نبی کی محبت کو آگے رکھا۔ بھائی نبی کا دشمن ہے، بھائی کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی محبت کو آگے رکھتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا قرآن نے کہا بھائی کی محبت سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں، چوتھی چیز کیا ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اے لوگوں، اے میرے بندوں، تمہارے دل میں نبی کی محبت تمہاری بیویوں سے زیادہ ہونی چاہیے، تمہارے دل میں نبی کی محبت تمہارے بیویوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ تاریخ کی کتاب پڑھیے، حدیث کی کتاب پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری ماں اور بہن آپ کی غور سے سنی، نبی کی محبت ضروری آپ کے لیے بھی ہے، نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شادی ہوتی ہے، آج نئی نئی شادی ہوتی ہے، تب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، جب کل ہوتی ہے صبح نکلتی ہے، تو صبح کے وقت اللہ کے نبی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہمیں جنگ میں جانا ہے، جنگ میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی آواز کو سنتے ہیں، نبی کی آواز کو سننے کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے میری بیوی، ہمیں جنگ میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے، نبی نے ہمیں بلایا ہے، جنگ میں جانا ہے، ہمیں لڑائی کرنی ہے۔ غور کیجیے، نئی نویلی دلہن آج شادی ہوئی، کل صبح اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اور جنگ میں جانا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے کیا کہا میرے بھائیوں، نئی نویلی دلہن ایک رات کی دلہن ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے کہا اے میرے سرکار، آپ چلے جائیے، اگر آپ زندہ لوٹ کر آتے تو بھی میرے لیے فخر کی بات ہوگی، عزت کی بات ہوگی کہ میں ایک غازی کی بیوی ہوں، آپ غازی کہلائیں گے اور آپ کی بیوی غازی کی بیوی ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کی لاش آتی ہے، آپ شہادت کا جام پی کر آتے تبھی میرے لیے فخر کی بات ہوگی، عزت کی بات ہوگی کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، ایک شہید کی بیوہ ہوں، تبھی میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
नाम से हौसला मिलता है वो चले जाते हैं और उस जंग में शरीक हो जाते हैं और लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे साहबियों, मैं देख रहा हूँ कि हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, फरिश्ते नहा रहे हैं, हजरत हमजा को नापाकी का गुस्ल भी इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि नापाकी का गुस्ल भी कर ले, इतना भी मौका नहीं मिला कि वो नापाकी का गुस्ल जनाबत कर ले और फौरन अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लबैक कहते हैं और जब वे शरीक हो जाते हैं, जब शहादत मिल जाती है तो फरिश्ते उन्हें गुस्ल देते हैं। साहबे किराम कहते हैं, जब हम लाश को उठाने के लिए गए तो क्या देखते हैं, लाश से पानी टपक रहा है, जिसम से पानी टपक रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकब दिया गसीलुल मलाइका, फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, क्या मोहब्बत थी। बीवी की मोहब्बत दिल में मौजूद है, लेकिन जब नबी की मोहब्बत से वो मोहब्बत टकराई तो बीवी की मोहब्बत को छोड़ा, नबी की मोहब्बत पर लबैक कहा, नबी की मोहब्बत पर लबैक कहा, जाने शहादत नोश किया। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत कहां चली गई है? नबी की मोहब्बत जो हमारे दिल में होनी चाहिए थी, आज वो मोहब्बत कहां चली गई? उस मोहब्बत की जरूरत है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअज़वाजुकुम वअशीरतुकुम, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारे खानदान से तुम्हारे कबीलों से ज्यादा मोहब्बत नबी की मोहब्बत नहीं होगी, तुम मोमिन नहीं होगे। तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत खानदान वालों से, बिरादरी वालों से ज्यादा होनी चाहिए। एक खानदान, एक बिरादरी, हर इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, खानदान को छोड़ना पड़ता है, छोड़ दो, लेकिन नबी की मोहब्बत को मत छोड़ना। मेरे भाइयों, हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का आप वो वाकया सुनिए। हजरत अबू सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो बीवी आपकी है, आपका बच्चा सलमा, ये तीनों लोग मक्का से मदीना हिजरत करने जा रहे हैं, मक्का से निकल चुके हैं। अबू सलमा के घर वाले आते हैं, उम्मे सलमा के घर वाले दूसरी तरफ से आते हैं। अबू सलमा के घर वालों ने कहा, अरे अबू सलमा, ये बच्चा मेरा है, ये पोता मेरा है, दादा का वो बच्चा है, लिहाजा इस पोते को तुम साथ में लेकर नहीं जा सकते, ये बच्चा मेरे पास रहेगा। लिहाजा अबू सलमा के घर वाले उस बच्चे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। उम्मे सलमा के घर वाले आते हैं, उम्मे सलमा के घर वाले बोलते हैं, ये बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची को तुम साथ में लेकर नहीं जा सकते हो, लिहाजा ये बच्ची मेरे घर में रहेगी। अब उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने महके चली जाती है, अपने घर चली जाती है, अबू सलमा अकेले हो जाते हैं। अबू सलमा अकेले हो जाते हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हजरत अबू सलमा बीबी को, बीबी की जुदाई बर्दाश्त किया, बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त किया, खानदान वालों को छोड़ा और मदीना चले जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं। एक महीने तक उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रो रही है, वो रो रही है, आंख से आंसू गिर रहा है। उम्मे सलमा के घर वालों को थोड़ा सा रहम आता है, वो कहते हैं कि अब तुम चले जाओ अपने शौहर के पास। उम्मे सलमा अपने बच्चों को लेती है और अपने शौहर के पास चली जाती है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, जब अपने गांव वालों, अपने खानदान वालों की मोहब्बत जब सामने आई और वो मोहब्बत जब नबी की मोहब्बत से टकराई, तो खानदान वालों को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, तमाम चीजों को छोड़कर मदीना चले गए। क्यों? नबी की मोहब्बत के लिए, नबी की आवाज को बुलंद करने के लिए। सहाबे किराम ने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, कुर्बान कर दिया, नबी की मोहब्बत को आगे रखा। अल्लाह उसके रसूल से इतनी मोहब्बत थी सहाबे किराम। मेरे भाइयों, और आगे चलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अमवालुन तरफतुम हुआ, चट्टी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, जिस माल को तुम कमाते हो, जिस माल को तुम कमाते हो, जो माल तुम्हारे पास है, उस माल से ज्यादा तुम्हारे दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी हैं। मदीना के अंदर जब कुरान की आयत नाजिल होती है, चौथा पारा उठाइए और पहली आयत पढ़िए, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी महबूब चीज को, बेहतरीन चीज को अल्लाह के राह में खर्च ना कर दो, अल्लाह के राह में कुर्बान ना कर दो। मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में
جب بھی آواز آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی ہے, حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک بہترین باغ تھا, بہت ہی بہترین باغ تھا, اور اس باغ میں میٹھے میٹھے پانی کا کنواں بھی موجود تھا جس میں اللہ کے نبی اس باغ میں جایا کرتے تھے, پانی پیا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی بہترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو. میرے سامنے سب سے بہترین مال اور سب سے بہترین چیز یہ میرا باغ ہے, اس باغ کو اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس باغ کو آج کے بعد سے میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا, قربان کر دیا, اس لیے کہ مجھے جنت چاہیے, جنت کو حاصل کرنا ہے, جنت کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی, نبی کی محبت کے لیے جو قربانی دینی پڑے گی میں تیار ہوں اس کے لیے. میرے بھائیو ہیں ایسے لوگ, نبی کی محبت پر قربانی مانگتا ہے اللہ, نبی کے محبت کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور آگے سنیے میرے بھائیوں, آج تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا کیونکہ مجھے اس آیت کی تشریح کرنی ہے, اس لیے بہت ہی اطمینان سے بیٹھیے, غور سے سنیے. صحابہ کرام کے واقعات کو میں سنا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آج ہمارے دل میں نبی کی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن آج ہم ہی نبی کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں, نمازیں ہم نہیں پڑھتے, روزے ہم نہیں رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں, ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. کیا یہی دین اور کیا یہی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے؟ نہیں, بلکہ ہمارے نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ امن و شانتی کی تعلیم ہے, پیار محبت کی تعلیم ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنے کی تعلیم ہے. اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ سماج کے اندر فتنہ برپا نہیں کرے گا بلکہ سماج کو بڑھائے گا, اپنا اخلاق صحیح کرے گا. میرے بھائیوں غور کیجئے, مدینہ کے اندر کھجور کا باغ بہت ہے, جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے, ایک یتیم بچہ ہے مدینہ کے اندر, ایک یتیم بچہ ہے, اس کا ایک کھجور کا باغ ہے, پراٹھ ہے, کھجور کے بہت سارے درخت ہیں, اور اس کے پڑوس میں اس کے پڑوسی کا بھی کھجور کا باغ ہے. کچھ درخت آپس میں مل رہے ہیں, جب بارش ہوتی ہے ہوا چلتی ہے کھجور گرتا ہے تو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ کھجور کس کا ہے, یہ پڑوسی کا ہے یا میرا کھجور ہے, وہ یتیم بچہ مجھے معلوم نہیں پڑا, کہیں مسئلہ نہ ہو جائے, کہیں حرام چیز میں کھانا لو, لہذا اس سے بچنے کے لیے یتیم بچے نے سوچا کہ میں اپنے اور اپنے پڑوسی کے درخت کے بیچ میں دیوار اٹھا دیتا ہوں تاکہ کوئی کھجور گرے گا تو مجھے معلوم پڑ جائے گا یہ کھجور میرا ہے اور میں اس کو کھا سکتا ہوں, کوئی مسئلہ اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہوگا. لہذا اس نے دیوار اٹھانی شروع کر دی, اٹھاتے اٹھاتے آگے پہنچتا ہے, ایک پیڑ بیچ میں آ جاتا ہے, وہ پیڑ پڑوسی کا تھا, پڑوسی کے پاس وہ یتیم بچہ پہنچتا ہے, کہتا ہے اے میرے بھائی ایک درخت ایک پیڑ آپ کا میرے دیوار کے بیچ میں آ رہا ہے, آڑے آ رہا ہے, اگر وہ قیمت مجھ کو دے دیجئے میری دیوار سیدھی کھڑی ہو جائے گی. اس آدمی نے کہا نہیں, میں تجھے اپنا پیڑ نہیں دوں گا, میں پیڑ بیچنے والا نہیں ہوں. یتیم بچہ اداس ہو جاتا ہے, کرے تو کیا کرے, دیوار بھی کڑی کرنی ہے سیدھی بھی کرنی ہے. لہذا اس نے سوچا اس زمین پر ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسا انسان ہے جس جو اگر سفارش کرتے جو اگر بات کرے تو اس کی بات کو مانا جائے گا. لہذا اس نے مسجد نبی کا رخ کیا, مسجد نبی میں جاتا ہے, اللہ کے نبی موجود ہے, صحابہ کرام کا ایک مجمع موجود ہے, اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میرا معاملہ ایسا ایسا ہے, میں ایک درخت لینا چاہتا ہوں, وہ درخت میرے دیوار کے بیچ میں آ رہا ہے لیکن سامنے والا نہیں دے رہا ہے, میں کیا کروں اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی اس آدمی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ درخت دے دو, قیمت لے لو, دے دو تاکہ وہ بچہ اپنی دیوار کو سیدھی کر لے, اپنا معاملہ حل کر لے. اس نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں دینے والا, اس کا دل بہت چھوٹا تھا, وہ میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے وہ درخت نہیں لینے والا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تم وہ کھجور کا ایک درخت دے دو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اندر اللہ تمہیں کھجور کا ایک درخت دے گا, جنت میں کھجور کا ایک درخت کے بدلے میں تم اس کھجور کے درخت کو اس یتیم بچے کے ہاتھ سے دے دو, میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں اللہ تمہیں کھجور کا ایک درخت دے گا. پھر اس نے کہا نہیں, میں نہیں بیچنے والا, میں نہیں دوں گا, میں فروخت نہیں کروں گا,
मजने में एक सहाबी भी मौजूद थे जिनका नाम अबु दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो सुन रहे, सुनने के बाद उठते हैं, अल्लाह के नबी अगर यही चीज मैं उस दरख्त को खरीद करके अगर यतीम बच्चे को तोहफे में दे देता हूँ तो ये मकाम मुझको भी हासिल होगा कि नहीं होगा, क्या इस मकाम का मैं भी इस मकाम को हासिल कर लूंगा, जन्नत में खजूर का दरख्त मुझे भी मिल जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ तुम्हें भी मिल सकता है अगर तुम ये काम करोगे। मेरे भाइयों, अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस एक दरख्त को हासिल करने के लिए पूरे मदीने के अंदर, उनका एक बाग था जिसके अंदर 600 खजूर के पेड़ थे, 600 खजूर के पेड़ थे, और उस बाग में बीच में एक आलीशान महल था जिस महल में रहा करते थे, मीठे पानी का कुआं भी मौजूद था, और उस दरख्त का खजूर इतना जायदेदार हुआ करता था कि तमाम ताजर आते और मुंह बोला कीमत उसको दिया करते थे। लेकिन 600 खजूर पेड़ के बाग को और उस आलीशान महल को और उस मीठे पानी के कुएं को जो एक पूरा पहाड़ था, उस बाग को कहते हैं मेरे भाई जाओ तुम उस पहाड़ को हासिल कर लो, ले लो मैं तुझे तुमको तुम्हारे हाथ में उस एक दरख्त के बदले भेज देता हूँ। उसने कहा आप मैं इस तरफ को भेज देता हूँ, तुम ले लो और उस बाग को बाग मेरा हो जाएगा। लिहाजा उसने उस बाग को हासिल कर लिया और अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बड़े आलीशान बाग के बदले में एक खजूर का बाग जो आड़े आ रहा था उस बाग को हासिल करने के बाद उस यतीम बच्चे से कहते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें तोहफे में दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना मेरे भाइयों मां से बड़ी मोहब्बत है, हम सबको मोहब्बत है, लेकिन गौर कीजिए सहाबे किराम का ये सहाबे किराम की मोहब्बत और ये कुर्बानी कितनी अहम चीज है कि अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने सुना कि अबू दहदा ने एक तरफ के बदले में अपना बाप कुर्बान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा है अबू दहदा जन्नत में देख रहा हूँ कि तुम्हारा एक खजूर का दरख्त लग चुका है और उसके अंदर खजूर के गुच्छे लटक रहे हैं, बहुत ज्यादा गुच्छे लटक रहे हैं। अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपने बाप के पास जाते हैं, बाहर खड़े गेट के अंदर दाखिल न हुआ और कहे आए उम्मे दहदा आए मेरी बीबी उखरिजी मिन्हा, बाप से निकल जाओ बाप से निकल जाओ। बीबी ने सवाल किया आए अबू दहदा क्यों, क्या वजह है निकलने की, वजह क्या है? अबू दहदा ने कहा अब मैं इस बाप को बेच चुका हूँ। उम्मे दहदा ने कहा, बीबी ने कहा आए अबू दहदा आए मेरे सरदार तुमने इस बाप को कितनी कीमत में बेचा? अबू दहदा ने कहा मैंने जन्नत में खजूर के दरख्त के बदले में इस बाप को बेच दिया है, आलीशान महल को बेच दिया है। बीबी ने क्या कहा मेरे भाइयों, आजकल की औरत और बीबी होती इल्ला माशाल्लाह सब की बात देकर कहो, आज की बीबी होती तो शौहर को डांटती कहती तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने जन्नत के बदले तुमने काम किया है, तुमने दीन के काम के लिए अल्लाह के घर के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है? लेकिन कुर्बान जाओ उस उम्मे दादा के ऊपर अबू दादा की बीबी ने कहा रबी हल भैया आए मेरे शोहर ईमानदार आपने बहुत ही मुनाफे का सौदा किया है, आपने बहुत ही मुनाफे का फायदे का सौदा किया है, ये सौदा बहुत ही फायदेमंद है। अल्लाहु अकबर, उम्मे दहदा अपने बच्चों को लेकर के जेब में जो कुछ भी था सबको निकलवा देती है और खाली हाथ उस महल से निकल जाती है, कहा कि मैंने इस महल को अल्लाह के राह में या अल्लाह से बेच दिया है, अब इस महल में रहने का मुझे कोई हक हासिल नहीं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आज मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ जुमा में 50 रुपया आप दे दीजिए मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए सिर्फ 50 रुपया, ताकि जो मस्जिद का इंतजाम है मेंटेनेंस है वो चलता रहे। लेकिन अफसोस से कोर्ट पे जाके देखिए 750 रुपया। अभी मालूम है आपको गुज़िश्ता जुमा में हमारे भाइयों की तरफ से 300 रुपया है और हमारी माँ और बहनों की तरफ से 350 रुपया है, 450 रुपया है। यानी यहां पर भी सबक हमारी माँ और बहनें ले गई और हम पीछे 100 आदमी है हमारी मस्जिद में और हमारे भाई इतने लोग मिल करके सिर्फ 300 रुपया। अफसोस का मकाम है, दूर करने का मकाम है मेरे भाइयों। अगर आज फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, कोई दिखावा हो तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं भाई, पना सेठ की तरफ से 2000, पना की तरफ से 5000। अरे 2000 लोग क्या बोलेंगे, पना सेठ इतना बड़ा सेठ और सिर्फ 2000 रुपए नहीं 5000 दूंगा।
लेकिन अल्लाह के घर पे देना है, अल्लाह के घर को आबाद करना है, दीन इस्लाम को आबाद करना है, तौहीद की शमा को रोशन करना है, नबी की मोहब्बत को बताना है, नबी की मोहब्बत की तालीम देना है, ऐसे इस्लामिक दीने को आबाद करने के लिए आपका बोर्ड ये गवाही दे रहा है कि आप बहुत पीछे, नबी से मोहब्बत की बहुत कमी हमारे अंदर। 750 रुपया इसमें क्या होता है मेरे भाई? क्या 50 रुपया हफ्ते में आप अल्लाह के घर के लिए नहीं दे सकते? आज बुढ़िया खाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, दिन में 100 रुपया हमारा खर्चा होता है, लेकिन रब के राह में कुर्बानी देने के लिए, नबी की मोहब्बत को हराम करने के लिए आज हमारे जेब से पैसा नहीं निकलता। मेरे भाइयों, साहब इकराम पर गौर कीजिए, इस साहब इकराम ने अपना पूरा असासा बेच दिया, पूरा असासा रब के राह में कुर्बान किया। अबू दादा को क्या मिला? जन्नत में खजूर का पेड़ मिला, और उस खजूर के पेड़ के चलते अपना आलिशान महल अल्लाह के नाम में कुर्बान किया कि नहीं किया? अल्लाह ने मकाम दिया कि नहीं दिया मेरे भाइयों? और आगे चलिए, वो तिजारत तक शौरा कसादा, वो लोग जो तिजारत करते हैं और तिजारत में अपने नुकसान से डरते हैं, अगर नबी की मोहब्बत से ज्यादा तिजारत से हो गई तो उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा, कि तिजारत से ज्यादा मोहब्बत नबी से होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत मदीना मुनव्वरा है, मदीना के अंदर कैसारी है, पूरा मंडी सन्नाटा छटा बिल्कुल पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई अनाज नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत उस्मान अली रजी अल्लाह तआला का अनाज से भरा हुआ एक काफिला मुल्के शाम से आता है, ताजिरों को मालूम पड़ता है कि आज हजरत उस्मान अली का एक काफिला अनाज से भरा हुआ मुल्के शाम से मदीना में आया है। तमाम ताजिर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, उस्मान अली तुम इसको 10 के बदले 12 में भेज दो, हम तुम्हें 10 के बजाय 12 देते हैं, यानी जिस चीज का, जिसका सामान की, जिस सामान की कीमत 10 रुपए है, हम तुम्हें 12 रुपया देंगे, 10 के बजाय 12 देंगे, हम तुम हमारे हवाले कर दो, हमारे जरिए से भेज दो। हजरत उस्मान गनी ने कहा, नहीं नहीं, हमें इससे ज्यादा नफा मिल रहा है। तमाम ताबीर कहते 12 के बजाय 15 ले लो, चलो 12 के बजाय 15 ले लो। हजरत उस्मान गनी ने कहा, नहीं नहीं, हमें इससे ज्यादा मिल रहा है। तमाम ताबीर मशवरा करते हैं और कहते हैं कि चलो 10 के बजाय 20 ले लो, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। हजरत उस्मान गनी ने कहा, इससे ज्यादा हमें मिल रहा है। तमाम ताबीर कहते हैं, तमाम के तमाम ताजिर यहाँ पर मौजूद है, आपको इससे ज्यादा कौन दे रहा है? हजरत उस्मान गनी कहते हैं, कुरान पढ़िए मेरे भाइयों, क्या मोहब्बत थी अल्लाह से, क्या मोहब्बत थी नबी से। कुरान के बारे में कहते हैं हजरत उस्मान गनी कहते हैं, मन का बिल हसनती वलहु अशर अमसालिया, जो अल्लाह के राह में 1 रुपया कुर्बानी देगा, 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह उसको 1 के बदले 10 देगा। तुम 10 के बदले 20 दे रहे हो, मेरा रब 10 के बदले 100 दे रहा है। मैं ऐ ताजिरों तुमको गवाह बना कर कहता हूँ, इस अनाज से भरे हुए दर्रे को मैं तमाम के तमाम अनाज को अल्लाह से, अल्लाह के हाथ से बेचता हूँ, अल्लाह के राह में कुर्बान करता हूँ, गरीबों में मिस्कीनों में इसको खर्च करता हूँ। अल्लाह से मेरी तिजारत हो रही है, जो अल्लाह 10 के बदले 100 दे रहा है, उस अल्लाह के हवाले तमाम अनाज के, उस तमाम चीजों को मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह पर गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे लिए जरूरी है हम दीन के मामले में आगे बढ़े। याद रखिए, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बस मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाया, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضون أحب إليكم. الله رب العالمين نے کہا ان 8 چیزوں کی محبت سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، تمہیں تمہارے باپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، تمہیں اولاد سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہاری بیویوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے والوں سے زیادہ محبت تمہیں نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے بھائیوں سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے مال سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہاری تجارت سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، تمہارے مکان میں جس مکان میں رہتے ہو اس سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ اگر نبی سے محبت میں کمی کرو گے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ضروری ہے
कि जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। और नबी से मोहब्बत का मतलब क्या है? नबी की हर हर बात को माना जाए, नबी की हर हर बात को फॉलो किया जाए। आज मैं आपसे अहद लूंगा, अल्लाह के घर में बैठ के नबी की बात सुना रहा हूं, अगर नबी से मोहब्बत नौजवानों आपको होगी तो अल्लाह की कसम है इस आवाज को सुन करके आइंदा ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, नबी के हुकुम के खिलाफ पर्जी नहीं करेंगे। एक साहबे रसूल है अल्लाह के नबी के खुर्रम अल असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खुर्रम असदी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि खुर्रम असदी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दो अगर वो कमी खत्म कर ले तो और अच्छे हो जाएंगे। वो दो कमी क्या थी? उनके अंदर बाल बड़ा बड़ा रखते थे और सलवार तकने से नीचे रह जाते। जब अल्लाह के नबी की आवाज उनके कान तक पहुंचती है कि मेरे नबी ने मेरे ताल्लुक से अच्छा कहा लेकिन दो कमी मेरे अंदर निकाली है, फौरन अपने घर जाते हैं, कैंची निकालते हैं, थोड़ा भी इंतजार नहीं करते हैं, थोड़ा भी इंतजार नहीं करते कि सैलून में जाना होगा, नाई से कटाना होगा, अचानक के बाद जाकर बाल कटाऊंगा नहीं। नबी की बात आ गई, नबी का हुक्म आ गया है, फौरन कैंची निकाला, अपने बाल को काटा, छोटा छोटा बनाया, अपने पैंट को, अपने पजामे को, अपने सलवार को, अपने तमाम पतलून को काट देते हैं, छोटा बना देते हैं और पहनने लगते हैं। मेरे भाइयों गौर कीजिए, साहब रसूल ने नबी से कितनी मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि नबी का हुक्म आ जाए फौरन उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। आज हम लोग ऐसा करते हैं क्या? नबी की मोहब्बत का सब दावा कर रहे हैं, हम नबी से मोहब्बत, रात भर तमाशा कर रहे हैं, सुबह बदर की नमाज पढ़ो, ये नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत तो ये है कि नबी की हर हर बात पर अमल किया जाए, नबी की बातों को और नबी की बातों को आगे रखा जाए, नबी की बात को मुकद्दम रखा जाए। अगर नबी की बात आ जाए, बाप को छोड़ना पड़े, औलाद को छोड़नी पड़े, खानदान वालों को छोड़ना पड़े, बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो ये बर्दाश्त नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कीजिए मेरे भाइयों। वरना याद रखिए, ये बाल बच्चे आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, आपके परेशानी को बढ़ा देंगे, जन्नत में जाने से रोक देंगे। आज बीवी अगर क्या नाम है कच्ची रोटी बना दे, कच्चा चावल बना दे, गुस्सा शुरू, मारना शुरू, लेकिन अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, अगर बीवी अच्छा काम नहीं करती है तो उसको सुबह बदर में उठाने से डरते हैं। अगर उठा देंगे बीवी गुस्सा हो जाएगी, बच्चे को उठाएंगे बच्चा गुस्सा हो जाएगा। अल्लाह मोहब्बत, बच्चा सो रहा, बीवी सो रही, नबी की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, वो बर्दाश्त, लेकिन बच्चा बर्दाश्त, बच्चा मेरा जो गुस्सा ना हो, बीवी गुस्सा ना हो, उससे नाराज ना हो, वो बर्दाश्त, वो नहीं चलेगा। अल्लाह नाराज हो गया वो चलेगा, मेरा नबी नाराज हो गया वो चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे नाराज ना हो ये नहीं चलेगा। मेरे भाइयों इसीलिए आहद करें, दाइया करें कि नबी से मोहब्बत करनी है दिलो जान से, दिलो जान से नबी की हर हर बात को मानना है। नबी का हुक्म आ जाए फौरन आमनना व सद्दकना, हमने ईमान लाया और नबी की बातों पर अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी से अपनी जान से, अपने माल से और तमाम चीजों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, नबी की हर हर बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस्लाम का पैगाम अमन और शांति का है, अल्लाह हम तमाम लोगों को अपने समाज और माशरे में अमन और शांति को आम करने की तौफीक अता फरमा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति की फिजा कायम कर दे, हम सबको मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे खताओं को माफ फरमा दे, और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, और जो हमारे भाई मस्जिद की सरबुलंदी के लिए, मस्जिद को आबाद करने के लिए, इस्लामिक किले को आबाद करने के लिए 100 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया जो भी तआवुन कर रहे हैं अल्लाह उनके इस तआवुन को कबूल फरमा लेना। अल्लाह उनके इन तआवुन को देने से पहले रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस के लिए एक मकान बना देना। मेरी माँ और बहनों को भी तौफीक देना कि वो भी नबी से मोहब्बत करें, नबी की हर बात पर अमल करने की वो भी कोशिश करें। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक ही पैगाम बयान करने की तौफीक अता फरमा,
एक हाथ में रब का कुरान होगा और दूसरे हाथ में मुस्तफा जाने रहमत का फरमान होगा। ये दो फरमान को लेकर चलने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी जिंदगी को कामयाब जिंदगी बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा, रब्बुल आलमीन हमारे खताओं को माफ फरमा दे। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन।